जाएंगे ठाकरे साहब के समय। देखिए, हम चाहते हैं कि ये पूरा जो अयोध्या में उनका आगमन है, मंदिर में उनको जाना है, वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रहे, कोई उसमें गड़बड़ न हो। इसलिए हम लोग प्रशासन से बैठकर एक योजना बनाएंगे। अगर हजारों लोग आते हैं तो हजारों लोग उद्धव जी के साथ मंदिर में नहीं जा सकते हैं, ये हमें मालूम है। तो भी बहुत गिने चुने लोग उनके साथ जाएंगे, बाकी के लोग उद्धव जी के आने के बाद दर्शन में अंदर जाने की हमने योजना बना ली है। विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम 25 नवंबर को है, आपका भी कार्यक्रम 25 नवंबर 24 दोनों दिन है। लेकिन जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम आनंद आनंद में तय किया, क्या लगता है कि शिवसेना के कार्यक्रम को जो है फ्लॉप करने की नीयत से किया गया या क्या? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। थोड़ा सा डेट का क्लैश हुआ है, लेकिन सब आपको मालूम होगा कि 25 तारीख की घोषणा जो है उद्धव ठाकरे साहब ने सबसे पहले की थी। शिवसेना की जो दसरा रैली है मुंबई में होती है, उसमें उद्धव जी ने घोषणा की है कि मैं 25 तारीख को अयोध्या जाऊंगा, और उससे पहले मैं खुद यहां 4 बार आ चुका हूं तैयारी के लिए, और मेरा यहां के जो प्रशासन के प्रमुख है, मेरा निवेदन भी लिखित स्वरूप में है कि उद्धव जी 25 तारीख को यहां आ रहे हैं। तो हमने ये कार्यक्रम पहले से बनाया था, लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद या और संगठन भी उनका कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो हम मानते हैं हिंदुत्ववादी संगठन है, सभी की ताकत है, हम एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते ना झगड़ना चाहते हैं, उससे जो हमारे धर्म के जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उनको बल मिलता है। तो हम सभी को साथ लेकर, हम जो मंच बनेगा विश्व हिंदू परिषद का, हम उनको भी नमस्कार करेंगे। सभी हमारे संत हैं, सभी हमारे महात्मा हैं, सभी हिंदुत्ववादी लोग हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़कर हम राम मंदिर का निर्माण कार्य करने का आयोजन करेंगे।